कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम आपको डेटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन हम किसे कहेंगे और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उसके बाद हम अपडेट और अपग्रेड में क्या डिफरेंस होता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो डेटा क्या होता है? डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। नंबर, अल्फ़ाबेट या स्पेशल सिंबल के कनेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ अखिलेश, अगर मैं आपको बोलूँ कि जाओ इस अखिलेश को मेरा ये पार्सल दे दो, तो क्या आप उस अखिलेश के पास पहुँच पाओगे जिसको मैं बोल रहा हूँ कि मेरा पार्सल पहुँचा दो उसके पास? नहीं। डेटा एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है जिस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल होता है। ये समझ में नहीं आता ये किसकी बात हो रही, किस अखिलेश की बात हो रही। तो ये हो गया डेटा, ठीक है। लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या होता है? इन्फॉर्मेशन इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा के कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगर मैं बोलूँ कि जाओ अखिलेश को मेरा पार्सल दे दो, तो क्या अभी आप अखिलेश को पार्सल दे पाओगे? नहीं। जिस अखिलेश की मैं बात कर रहा हूँ आप उस तक अभी मेरा पार्सल नहीं पहुँचा पाओगे। लेकिन अगर मैं लिख दूँ हाउस नंबर 10, तो अभी भी आप उस अखिलेश तक नहीं पहुँच पाएंगे जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ कि जाओ इसे पार्सल दे दो, क्योंकि हाउस नंबर 10 में बहुत सारे अखिलेश हो सकते हैं। किस शहर की बात हो रही हमें नहीं पता, एड्रेस नहीं मिल पा रहा हमें। लेकिन इसके बाद मैं बोलूँ मानगो, जमशेदपुर, पोस्टल कोड है 831012, तो क्या अभी आप इस अखिलेश को मेरा पार्सल पहुंचा सकते हो? बिल्कुल पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें कंप्लीट एड्रेस मिल गया। ये एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। जब हम आपको यहाँ पे बोले थे कि जाके अखिलेश को हमारा ये पार्सल दे दो, तो आप इस अखिलेश तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि किस अखिलेश की बात हो रही आपको नहीं पता। दुनिया में बहुत सारे अखिलेश हैं, लेकिन इसी डेटा को हमने प्रोसेस करा, अखिलेश, उसका हाउस नंबर, फिर हमने मानगो, जमशेदपुर, पोस्टल कोड लगा दिया। तो डेटा को प्रोसेस करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो अभी आप अखिलेश तक पहुंच सकते हो और उस अखिलेश को पार्सल दे सकते हो जिसके पास मैं आपको भेजना चाहता हूँ। तो ये डेटा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है जिसे समझना बहुत मुश्किल होता है। इन्फॉर्मेशन डेटा को प्रोसेस करने का बाद बनता है और ये कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो नंबर से भी एग्जाम्पल निकाल सकते हैं, स्पेशल सिंबल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स के कलेक्शन को लेके एग्जाम्पल यहाँ पे समझाया, ठीक है। अभी हम अपना सेकेंड इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखते हैं, अपडेट एंड अपग्रेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और ये दोनों क्या होते हैं? आपको लगता होगा कि ये दोनों सेम है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो चलिए जान लेते हैं अपडेट क्या होता है। अपडेट इज़ फॉर एन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। अपडेट जो है वो किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए होता है जो हम यूज़ करते हैं। मान लो ये हो गया हमारा मोबाइल फ़ोन, ठीक है। इस मोबाइल फ़ोन में मान लो हम एक एप्लीकेशन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन का कोई भी एक डेवलपर होगा। तो अगर जो भी इसका डेवलपर है वो अपने एप्लीकेशन में कुछ भी चेंजेस करना चाहता है, कुछ नए चीज़ों को ऐड करना चाहता है, एरर्स को हटाना चाहता है, तो डेवलपर के द्वारा अगर कुछ चीज़ें ऐड की जा रही, रिमूव की जा रही अपने एप्लीकेशन में, तो वो कहलाता है अपडेट। और अपडेट जो होता है वो किसी भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन तक ही होता है, इससे हमारे मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी अपग्रेड क्या होता है? द एंटायर सिस्टम ऑफ मोबाइल और कंप्यूटर चेंज्ड इन द अपग्रेड। जब भी हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, तो हमारे मोबाइल सिस्टम या कंप्यूटर का जो पूरा सिस्टम होता है वो बदल जाता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ये हो गया हमारा कंप्यूटर, इसमें हम विंडोज 7 अभी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। विंडोज 7 हम यूज़ कर रहे हैं अभी इसमें, लेकिन मेरा मन क्या कर रहा है कि अब मैं कल से विंडोज 10 यूज़ करूँगा। तो विंडोज 7 से विंडोज 10 अगर हम इसमें इंस्टॉल करेंगे तो वो कहलाता है अपग्रेड।
अपग्रेड जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे होता है। तो जैसे ही हम अपने सिस्टम में विंडो 7 हटा के विंडो 10 इंस्टॉल कर देंगे, हमारे कंप्यूटर सिस्टम का पूरा जो फंक्शन है वो पूरी तरह से बदल जाएगा, इसका इंटरफेस चेंज हो जाएगा, ये पूरा एकदम पहले के जैसा नहीं रहेगा। विंडो 7 का एक भी चीज़ अब इसमें नहीं बचेगा, और विंडो 7 में जो भी हमने सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यहाँ पर रखा था अपने सिस्टम में, वो सभी अनइंस्टॉल हो जाएंगे और एकदम फ्रेश हमारा विंडो 10 इंस्टॉल होगा, नया सिस्टम लगेगा। लेकिन अपडेट में क्या होता है कि हमारे सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए होता है। अपडेट करना किसी भी इंसान के लिए बहुत आसान काम होता है, इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है, लेकिन किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल को अपग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, तब आप कर पाओगे। मान लो यहाँ पे हमारे मोबाइल सिस्टम में हम बहुत सारे एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, हर एप्लीकेशन के अलग अलग डेवलपर होंगे। तो मान लो इस एप्लीकेशन का डेवलपर अपने एप्लीकेशन में कुछ नई चीज़ें ऐड कर रहा और इसके एरर्स को हटा रहा, तो जब हम इसको अपडेट करेंगे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा। अगर हम इस एप्लीकेशन को अपडेट करते हैं तो इन तीनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जो भी नई चीज़ें ऐड की गई हैं डेवलपर के द्वारा इस एप्लीकेशन में, वो हमें अपडेट करने के बाद तुरंत मिल जाएगा। लेकिन अगर हम एक बार सिस्टम में विंडो 7 हटा के विंडो 10 डाल देते हैं, तो इससे क्या होगा कि सिस्टम का पूरा इंटरफेस चेंज हो जाएगा और ये सिस्टम बिल्कुल न्यू रहेगा, इसका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा क्योंकि अभी इसमें फ्रेश इंस्टॉल हुआ है, इसमें और कोई लोड नहीं है। तो ये हो गया अपडेट और अपग्रेड में डिफरेंस।